नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चले बात करेंगे खबरों की। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे भारत बंद को लेकर। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा भारत बंद का आह्वान बल्लभगढ़ में बेअसर साबित हुआ। हालांकि किसी तरह के उपद्रव से निपटने के लिए पुलिस बल का खास इंतजाम किया हुआ है, लेकिन बंद तो दूर, कर्मचारी धरने पर भी नहीं आए। बता दें कि किसानों ने शाम 4 बजे तक सरकारी निजी दफ्तरों में बंद का आह्वान किया हुआ था। पुलिस अधिकारियों की माने तो पुलिस किसी भी तरह की अप्रिय घटना और अपद्रव से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिखाई दे रहा नज़ारा हरियाणा रोडवेज के बल्लभगढ़ स्थित फरदाबाद डिपो का है, जहाँ आमतौर पर कर्मचारी अपनी मांगों को मांगने और इस तरह से धरने में अग्रसर रहते हैं, तो कोई नामो निशान भी नहीं दिखा और ना ही कोई कर्मचारी आज यहां पर नजर आए। द्वारा भारत बंद का ऐलान करने पर हमने यहां अपनी ड्यूटियां लगा रखी हैं। और वैसे बल्लभगढ़ बस अड्डे पे हमारा यहां पे कोई किसी प्रकार का भी इस प्रकार की कोई भारत बंद की कोई बात नज़र नहीं आ रही है। सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं, सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है। बाकी हम बिल्कुल तैयार हैं, किसी प्रकार का भी कोई एजिटेशन आता है शांतिपूर्ण तो वो आराम से करें। बाकी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जो और उसके आड़ में सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, चाहे वो बस स्टैंड हो या नगर निगम, ना कोई भी बंद नहीं है, सभी खुले हुए हैं और सभी सुचारू रूप से चले हुए हैं और सिचुएशन बिल्कुल पीसफुल है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सभी जगह ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। 50-60 पुलिस कर्मचारी हैं यहाँ बस अड्डा बल्लभगढ़ पे हैं। जो रेलवे फरीदाबाद में जो है तीनों जोन जो बढ़ते हैं, सेंट्रल हो गया, NIT हो गया, बल्लभगढ़ हो गया, तो तीनों जोन में ही है। तो डिप्लॉयमेंट की गई है फोर्स की भारत बंद के जो कॉल की गई है उसके मद्देनज़र। तो मैं इसी भी बल्लभगढ़ हूँ और यहाँ पर बस स्टैंड पर मेरी ड्यूटी लगाई गई है। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था को देखने की और जो यहाँ पर बसों की संचालन है तो इसमें कोई भी रुकावट ना आ सके, तो इसी के लिए यहाँ पर फोर्स की भी दी गई है और उसका नेतृत्व करने के लिए, उनको ब्रीफ करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी जो है मैं अभी अपने बस स्टैंड पे ही आया हूँ। बाकी जगह पे जो है अभी फिलहाल हमें फरीदाबाद से कुछ अभी इनपुट नहीं आया है और बाकी जो जिलों का उसका निपटते हैं। फिलहाल जो यहाँ पे है तो यहाँ संचालन ठीक चल रहा है और जो फोर्स हमारे पास वो पर्याप्त मात्रा में। नहीं, हमारी तरफ से तो बसेस पूरी सुचारू रूप से तो चल रही हैं हमारी बसेस। और अभी जैसे हम लोगों ने सुबह से लेकर अब तक 34-35 टाइमिंग हमारे बसेस के जो हैं ये निकल चुके हैं एज़ पर जो हमारे रूटीन में है। लेकिन आगे जाके हमें मालूम पड़ रहा है कि पानीपत साइड, करनाल साइड, वहाँ जाके बसों को रोका जा रहा है, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बातें हो रही है। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिपो के से अगर हम माने तो यहाँ से बसें हमने निकाल दी हैं और अब आने वाले वक्त के अंदर जो समय हमारे पास है अभी हम उसको अलीगढ़, आगरा साइड इन बसों को ये भेजेंगे ताकि आगे जो लोगों को कोई परेशानी ना। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों के धरने को आज 10 महीने पूरे होने पर है और किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का देशव्यापी ऐलान किया गया है। इसको लेकर फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने भारत बंद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धरने पर वो लोग किसान नहीं बल्कि कुछ राजनीतिक लोग जो किसानों की आड़ में धरने पर बैठे हैं। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि जो वास्तविक किसान है वो खेतों में काम कर रहा है। मेरा मानना है कि किसान पिछले 10 महीने से अपने खेतों में काम कर रहा है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो फसल पैदा हुई है वो पहले सारे रिकॉर्ड तोड़ के पैदा हुई है। अगर किसान धरने पर होगा तो फसल कहाँ से पैदा होगी? तो मेरा तो मानना है किसानों के भेष में सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस जो विपक्ष पार्टी के जिनको सत्ता हमारी जनता ने नहीं दी वो किसानों के रूप में लोगों को परेशान करने के लिए सड़कों पे आते हैं। उन्होंने 2 बॉर्डर जाम किए। अगर उनकी कोई डिमांड है भी तो वो शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। सड़कें रोक के लोगों को परेशान करके कोई डिमांड पूरी नहीं होती हैं। और जहाँ तक कृषि कानूनों की बात है, हमारे सभी नेताओं ने, कृषि मंत्री जी ने बार बार बोला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि ये वैकल्पिक है, आपको अच्छा लगे तो इसको मान लीजिए, अच्छा ना लगे तो नहीं मानिए। और दूसरा बोला कि इन कानूनों में काला क्या है, वो कहते हैं काले कानून बनाए। तो कई बार हमने पूछा है माननीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कि कानूनों में क्या काला है वो एक चीज़ बता दें, पर वो उनका कृषि जो किसानी से कोई संबंध नहीं है, उनको तो एक व्यवस्था फैलानी है जो इस आंदोलन के पीछे है। तो मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि भारत एक उन्नति के रास्ते में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, सशक्त भारत के रूप में, सशक्त राष्ट्र के रूप में इसका पूरे
वर्ल्ड में नाम है। माननीय मोदी जी जो अभी सर्वे हुआ सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभर के आए हैं, तो वो लोग नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भारत को भी अफगानिस्तान बना दें जहाँ स्थिर सरकार हो। तो ऐसी हमारी भारत की जनता ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देगी। तो आप खुद समझ सकते हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि अपने अंदरूनी चलिए बात करेंगे अगली खबर की। तेगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर क्षेत्र का दौरा करते हुए तेगांव क्षेत्र की शिव कॉलोनी में पहुंचे और वहां पर पगड़ी पहनाकर विधायक का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद एक एक करके विधायक को अपनी समस्या लोगों ने बताई और विधायक ने समस्याओं का समाधान भी करने के लिए कहा। लोगों ने ज़्यादातर बिजली पानी और सड़क की भी विधायक को अपनी समस्याएं बताई और एक्शन मोड में दिखे विधायक। और उन्होंने कहा कि अब किन्हीं भी लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे चारों ओर खुशी का माहौल बन गया और क्योंकि पिछले कई सालों से मुख्य मार्ग पर कीचड़ लबालब कारणों से लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अब तक जीतने वाला हर विधायक जीतने के बाद गायब हो जाता है। राजेश नागर पहले विधायक हैं जो जीतने के बाद इस कॉलोनी में पधारे हैं। हम विधायक का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मुझे पता है आपके दुख दर्द के बारे में, और इसीलिए हम आज आपकी रोड और आपकी जो भी यहाँ की दिक्कतें हैं, बिजली की, पानी की, सड़क तो देख ही ली मैंने, आने वाले समय में आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी ये सड़क और बिजली पानी और नाली की जो भी दिक्कत है उसको जल्दी दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर भेजा था। आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से मैं हरियाणा की विधानसभा में पहुंचा। ये आपकी ताकत थी, आपकी वोट ने जो मुझे आशीर्वाद रूपी मुझे चलो बात करेंगे अगली खबर की। लगातार मिल रही शिकायतों के चलते हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के लघु सचिवालय के कार्यालय में पहुंचकर कामकाज का जायजा लिया। काम कर रहे कर्मचारियों में मूलचंद शर्मा को देखकर हड़कंप मच गया और दलाल वहां से भागते खड़े हुए। मंत्री बनने के बाद मूलचंद शर्मा के इस तरह की ये पहली छापेमारी मानी जा रही है। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ के लघु सचिवालय का है, जहाँ तहसील कार्यालय का है, जहाँ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा क्षेत्र की चौकी का रजिस्टर चेक किया और वहां का जायजा लिया। सभी चीज का रजिस्टर चेक करने में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की भी क्लास लगाई। दरअसल पिछले कई दिनों से मूलचंद शर्मा को बल्लभगढ़ के लघु सचिवालय में लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते मूलचंद शर्मा ने कार्यालय में जाकर कामकाज का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ बल्लभगढ़ के SDM त्रिलोक चंद, SP बल्लभगढ़ मनीष सहगल और भी लोग मौजूद रहे और उन्होंने तहसील कार्यालय में अधिकारियों को चेतावनी भी दी, यदि लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सीएम साहब ने कब कराया है? उसका 10 तारीख तो पीछे लगा जहाँ भी ऑनलाइन जमाबंदी है कोई भी चंक बिकेगा साथ के साथ ही उसकी नोटिशन अगर आपके पास चंदावनी गांव के कितने मेरे नाम से कुछ भी लिखता कोई भी मैं ये सर लघु शौचालय बल्लभगढ़ के विधानसभा क्षेत्र या पृथला के SDM के अधीन है और जहाँ से सब कुछ यहाँ से राशन है या रिश्तियों का सब कुछ यहाँ संचालन होता है और बार बार शिकायत मिली थी कि जो रिश्तियाँ हो रही हैं कुछ एरिया ऑनलाइन है, कुछ एरिया मैनुअल है, जो चनावली गांव का मैनुअल है वहाँ बार बार इस तरह की शिकायत आ रही थी, जहाँ पे रिश्तियों के नाम से जो आम आदमी कहते थे इस तरह से रिश्तियाँ हो रही थी अनऑथराइज की, उसकी जानकारी बार बार आ रही थी। दूसरा क्या है कि जो राशन के नाम से खाद्य आपूर्ति विभाग है, जैसे हमने जब उस समय जब हमने जो राशन जो बांटा उसे 5-5 किलो के पैकेट बनाए थे, मंत्री जी गए थे, केंद्रीय मंत्री रहा, मैं भी रहा, साथ विधायकों ने भी करा, अधिकारियों का, जिस मंत्री के 5 किलो, जिस आदमी को 5 किलो, घर में मेंबर 4 है उसका 20 किलो अनाज होना चाहिए,
इन्हें क्या करा डिपो ओनर। चलिए बात करेंगे पलवल की। पलवल संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे नंबर 19 को पलवल में किसानों ने जाम कर दिया। किसान नेताओं ने कहा कि उनका यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेते। जैसे ही दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर किसानों ने वाहनों की आवाजाही को रोका, वैसे ही हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। पहले किसानों ने शहर शहर जाकर दुकानदारों से दुकान बंद करने की प्रार्थना की। उसके बाद केजीपी और केएमपी एक्सप्रेसवे की ओर इंटरचेंज के पास नेशनल हाईवे पर किसानों ने धरना देना शुरू कर दिया। बजे तक जाम करेंगे, तसल्ली करेंगे, और जो भी प्रेस है, एम्बुलेंस है, बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, उन्होंने निकाल दिए। शांति प्रिय हम प्रदर्शन करते रहेंगे। हम किसान विरोधी कानून जबरदस्त और जबरदस्ती है, इसके खिलाफ हम हमारी ऊर्जा होती रहेगी। हर 26-27 के हम कोई ना कोई नए ढंग से विरोध करते रहेंगे। हमारा सरकार के मंत्रियों से किसी तरह की बातचीत का कोई प्रस्ताव आप लोगों के पास आया है क्या अभी तक? हम तो तैयार हैं, पर वह हमारे सुनने तैयार ना। हमारे दिल्ली से कितने 10 मील पर बैठे हैं, नहीं कोई आ रहा, नहीं कोई जा रहा। वह तो अमरीका में जाके हमारी यू कर रहे हैं, हमारी युवक, हम ये किसान बैठे हैं, किसान से बात ना कर रहे, मन की बात कर रहे हैं। मन की बात तक क्या करना है, जब हमें ये कानून चाहिए ही ना है, जबरदस्त है और जबरदस्ती है। हमें क्या जरूरत है ऐसी खीर खाने की? हमें पूछ के करे ये कानून? हमारे तो पिताजी भी खेती कर रहे हैं, हम भी करेंगे, आगे भी करेंगे, या मोदी पे हम नहीं रुकेंगे।